असलमकुम कैसे हैं आप सब आज की वीडियो में मैं आपको लाहौर की मशहूर बट कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी जो बहुत ही मज़ेदार बनती है जब आप बनाएंगे तो सब तारीफ़ें करते रह जाएंगे चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा लाहौर की मशहूर बट कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में मैंने एक कप ऑयल ले लिया है अब इसमें मैं एक दरम्या साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज डालूँगी और उसको हम उस वक्त तक भूनेंगे जब तक प्याज का कलर गोल्डन हो जाए प्याज का कलर गोल्डन हो गया है अब हम इसमें एक टेबल स्पून भर के अदरक लहसन का पेस्ट डालेंगे अदरक लहसन के पेस्ट को प्याज में मिक्स कर लेंगे और उसके बाद चिकन डालेंगे ये मैंने एक के जी चिकन लिया है इसको हम कढ़ाई में डाल लेंगे और भूनेंगे यहाँ तक कि इसका कलर गोल्डन हो जाए और भूनते हुए हम एक टीस्पून नमक भी डाल लेंगे दरमिया आंच पर हम चिकन को भूनेंगे चिकन को भूनने के दौरान हम इसके अंदर छह से सात बारीक कटी हुई सब्स मिर्चे डालेंगे चिकन को हमने भून लिया है और चिकन का कलर गोल्डन हो गया है अब हम इसमें टमाटर डालेंगे ये मैंने सात छोटे साइज़ के स्मॉल साइज़ के टमाटर लिए हैं जिनको दरमियान में से कट कर लिया है इस तरह टमाटर के कटे हुए पीस लेके आपने चिकन के ऊपर रखने हैं इस तरह बाकी तमाम पीसेस भी हम इसी तरह रख देंगे टमाटर के और उसके बाद कढ़ाई को ढक देंगे और बिल्कुल हल्की आंच पे रखेंगे ताकि भाप और हीट से टमाटर नरम हो जाएं। ढकने से पहले हम इसके अंदर आधा कप पानी डाल देंगे और अब ढक देंगे अब हम इसको 10 मिनट तक हल्की आंच पे दम पे रखेंगे 10 मिनट दम पे रखने के बाद देखें टमाटर नरम हो गए हैं अब हम किसी चिमटे से तमाम टमाटर के जो छिलके हैं वो उतार लेंगे इस तरह इसी तरह चिमटे से बाकी भी तमाम टमाटरों छिलके उतार लिए हैं दम की वजह से टमाटर नरम हो जाते हैं तो छिलका भी नरम हो जाता है और वो ईज़िली उतर जाता है छिलकों को वेस्ट कर देंगे टमाटरों को इस तरह चम्मच से मैश कर लेंगे और अब हम इसके अंदर एक टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे अब इसमें मिसाले डालेंगे मिसालों में एक टी नमक हमने डाल लिया है अब एक टी काली मर्च डालेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डालेंगे नमक हंसबे जायका है आप और भी डाल सकते हैं चेक कर लें मिसालों को मिक्स कर लेंगे और साथ साथ चम्मच से दबा दबा के टमाटरों को भी मैश कर लेंगे टमाटरों को अच्छी तरह मैश कर लिया है अब हम आंच तेज कर देंगे और चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि पानी खुश्क हो जाए और चार साबित सबस मिर्चें डाल देंगे पानी खुश्क हो गया है चिकन भी गल गया है और ऑयल भी ऊपर आ गया है अब हम इसमें धनिया डाल लेंगे हमारी बट की मशहूर चिकन कढ़ाई रेडी है गार्निशिंग के लिए धनिया के साथ हम बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे रेसिपी जरूर ट्राई करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू टेक केयर